या कैलाश के बारे में इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये काफिर लोग, ये कैलाशा लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके रस्म व रिवाज क्या हैं, उनके मजहबी रुझानात क्या हैं। आइए तो फिर सुनते हैं मलिक साहब की ज़ुबानी। कैलाश में एक बशालिनी होती है जो कि हर गांव के अंदर मौजूद है। वो बशालिनी में ये होता है कि जो औरत जिसको मेंसेस आते हैं उन दिनों के अंदर, नापाक दिनों के अंदर, वो उसमें शिफ्ट हो जाती है, वो घर में नहीं रह सकती। सही। उसने अपने घर को छोड़ना होता है और बशालिनी में चला जाना होता है। तो वो जो 5-7 दिन जो भी हैं वो फिर वो बशालिनी में गुजारती है। और वहाँ पे एक नहीं, मतलब सारे उस गांव की लड़कियाँ जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो अपने वो मखसूस दिन जो होते हैं वो बशालिनी में ही गुजारती हैं। और वहाँ पर यह होता है कि कोई भी मर्द नहीं जा सकता, इवन के उस बशालिनी की दीवार को छू भी नहीं सकता। अगर उसकी दीवार को कोई मर्द छूता है तो उसको कुर्बानी जो है उस पर फ़र्ज कर दी जाती है। उसको इतना वो समझते हैं पकीज़ा या जो भी समझते हैं कि घर के अंदर मेंसेस वाली लेडीज़ को नहीं रहने देते, उधर भेज देते हैं। और फिर जितने दिन उसने उधर रहना होता है, जब वो पाक होती है तो फिर वापस आती है ना। सही है। उसके अलावा आपको बताया कि कोई भी मर्द उसको उस मकान की दीवार को भी नहीं छू सकता। इवन के वो आउटसाइडर्स को भी कहते हैं कि आप मेहरबानी करके इस दीवार को ना छेड़ें। अच्छा। या हाथ ना लगाएं, इससे दूर रहें। हाँ हाँ। तो अगर कोई हाथ लगाता है तो उसको कुर्बानी जो है ना उस पर फर्ज हो जाती है। सही। उनके मजहब के मुताबिक तो फिर उसने कुर्बानी करनी होती है, एक जानवर ज़िबह करना होता है, उसका खून जो है ना, उसके छींटे जो हैं वो दीवार पर डालने होते हैं, तो वो समझते हैं तब जाके वो बंदा गुनाहों से पाक हुआ है, वरना उसको गुनाहगार समझते हैं। सही। उसके बाद इनका जैस्ताफान होता है, एक रूम होता है कमरा, उसके अंदर जब कोई फौत हो जाता है तो 2 दिन के लिए उसके अंदर रखते हैं। तो एक इनकी रस्म व रवाज होते हैं, उसमें 2 दिन के लिए रखते हैं और फिर उसको डांस करते हैं, उस पर नाचते हैं, गाने गाते हैं और उसको खुशी खुशी वो रुखसत करते हैं। सही। उनके मज़हब के मुताबिक ये है कि हम उसको इतनी खुशी से रुखसत करते हैं क्योंकि वो इस दुनिया से जान छूट गई है उसकी और अगली दुनिया में जा रहा है, वो इस दुनिया से बहुत बेहतर है। वो ये समझते हैं कि वो ऐसी दुनिया से जा रहा है जो मतलब तकलीफ़ों वाली, दुखों वाली दुनिया थी, और ऐसी दुनिया में जा रहा है जहाँ पे कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, बहुत बेहतर दुनिया, इसलिए उसको खुशी से रुखसत करते हैं। तो ये इनके छोटे छोटे, और एक उनका अल्टर हाउस है। अच्छा। उसमें ज़िबा खाना एक सेपरेट है, हर जगह जिस तरह हमारे हैं जहाँ भी ज़िबा कर लें इस तरह नहीं होता, उनका ज़िबा खाना एक सेपरेट है। वो पहाड़ के ऊपर है, बदरीक के अंदर जहाँ पे आप नीवड़ देखें ना, उससे थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है पैदल। अच्छा। तो वहाँ पे उनका अल्टर हाउस है, वहाँ पे ज़िबा खाना है कुछ, उसने उन्होंने वो लकड़ी के वो मूंछ बनाए होते हैं जिस तरह बोलते हैं, तो वहाँ पे जाके वो ज़िबा करते हैं। एक वो भी उनकी एक तरतीब है, उसके मुताबिक वो ज़िबा करते हैं। इस तरह छोटे छोटे उनके इवेंट्स है। दूध पिलाने वाला है, ये दूध पिलाने वाला इवेंट क्या है? ये इसमें ये होता है कि सुबह सुबह ये पहले तो दूध इकट्ठा करते हैं। अच्छा। काफी दिन बकरियों और भेड़ें जो इन्होंने खुद रखी होती है ना, उसका दूध ये बाहर से मार्केट से नहीं लेते, मतलब उनका अपने साथी पालतू जानवरों का ये दूध इकट्ठा करते हैं। 4-5 दिन 7 दिन इतना दूध इकट्ठा करते हैं कि जिससे इलाके के इनके लोगों की जरूरत पूरी हो जाए। फिर वो दूध इकट्ठा करके इवेंट वाला जो मखसूस दिन होता है, ये 13 तारीख या 14 तारीख को जो है ना, ब्रून वाले दिन, उस दिन भी ये बदरीक में, बम्बोरेत में, सारे में ये इकट्ठा दूध करके सुबह सुबह लेके निकलते हैं और अपने जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको भी पिलाते हैं। अच्छा। ये बरकत समझी जाती है और एक तो ये खुशी मनाते हैं कि बहार आ गई है हमारी, बर्फ से जान छूटी, सख्त दिनों से जान हमारी छूटी, और ये उस चीज़ की खुशी मनाते हैं। फिर ये दूध जो होता है ये बच्चों में तकसीम करते हैं ताकि ये बच्चे चीज़ लेके खुश होते हैं। तो वो अपने पालतू जानवरों का दूध दूसरे बच्चों को पिलाने में खुशी महसूस करते हैं। अच्छा शगुन समझते हैं। जिस तरह हम शबरात वाले दिन या रबी अलवल वाले दिनों में या दूसरे दिनों में कुछ चीज़ें बांटते हैं, कभी पका के कुछ, इसी तरह उनके भी एक रस्म रवाज में ये चीज़ें आती हैं, दूध बांटना। और फिर ये अखरोट के जो पत्ते होते हैं, जो आखिरी टहनी होती है, कोम्पल वाली होती है, उसमें हल्के हल्के फूल भी होते हैं,
तो ये उन टहनियों को तोड़ के ये शगन के तौर पे साथ रखते हैं, तो ये काफी बरकत वाले समझते हैं। और साथ में एक और पौधा है, उसकी ये छोटी छोटी टहनियां उतार के एक टोकरी में डालते हैं और दूध वाले जब लेके चलते हैं ना, उस रास्ते पे भी किसी को ये चलने नहीं देते, किसी आउटसाइडर को, आउट ऑफ कैलाश मजहब, किसी को ये चलने नहीं फिर देते। तो उस रास्ते को भी प्रोटेक्ट करके दोनों तरफ से दरमियान से वो चीजें लेके गुजरते हैं, दूध भी और पत्ते वगैरह सारी चीजें, ताकि उसको उसपे मतलब किसी के हाथ भी ना लगे और नजर भी ना लगे, मुकद्दस मुकद्दस समझ के वो उसके लेके जाते हैं, बस इस तरह छोटे। अच्छा, ये जो दूसरा, ये जो आज का इवेंट था, मतलब ये जो शादियों का, ये क्या, मैंने ये सुना है कि इनका 100% लव मैरिज जो है ना वो होती है। नहीं, आप 100 नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि इनके जो शादियां हो चुकी होती है ना, वो भी इस दिन को ही मनाई जाती है, एक त्योहार का दिन है ना। ये उस जोड़े की शादी निकाह समझ ले हो चुका होता है, लेकिन रुख्सती इस दिन ही करते हैं। अच्छा, वो जोड़े बन जाते हैं, फिर वो इसी दिन जो है, ये 15 मई को जो है, वो सारे जोड़े इकट्ठे होते हैं, फिर वो डांस करते हैं, फिर खुशी मनाते हैं, फिर मतलब एक ऑफिशियली अनाउंस होता है कि ये दोनों शादीशुदा हो चुके हैं या इनकी शादी हो चुकी है, फिर वो ऑफिशियली उनको अनाउंस करते हैं, समझ लें इस दिन। वरना शादियां इनकी हो चुकी होती हैं 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, ऐसा 6 महीने पहले, मतलब जो इवेंट वाला दिन होता है ना, बाकी सारे लोगों को उस दिन पता चलता है कि अच्छा ये भी शादी कर चुकी है, ये ऑफिशियली अनाउंस होता है। बस तो बाकी ये जो भागने भगाने वाली बातें हैं, ये मिथ्स हैं, ये हमें बनी हुई है, वो भागते भगाते नहीं है, उनकी इसी तरह होती है जिस तरह हमारी शादियां होती हैं। उनके मतलब फैमिली मेंबर रिश्ता लेने जाते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन ये इस दिन आके जब सेलिब्रेट तो ये लोग समझते हैं कि ये भाग के शादी करके आ जाए, तो ये ऐसा नहीं है, भागने वाला सीन कोई नहीं है। हाँ, अपनी मर्जी अगर हो तो उनको कोई रोक नहीं सकता उनके मजहब में। अगर लड़के और लड़की का दिल है और वो घर से बता के निकल जाते हैं कि हमने शादी करनी है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता, अगर दोनों की मर्जी, ये उनकी मजहब में है, मतलब वो फिर रोकते नहीं है। ये जो आज की तकरीबात है, इसका बुनियादी यही था, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा साल भर जितनी भी शादियां होती हैं वो सेलिब्रेट एक दिन होती हैं। इनका असल मकसद तो ये है कि ये स्प्रिंग को, बहार को जो सेलिब्रेट करते हैं, ये सख्त दिन जो सर्दी के गुजारे होते हैं ना इन्होंने बर्फ में, ये जब उनसे जान छूटती है तो उसको सेलिब्रेट असल में ये करते हैं। सही। और शादियों वाला भी क्योंकि एक त्योहार होता है, तो ये बहार के मौसम को अच्छा समझते हैं, तो मतलब रोजगार इनका चल गया, बकरियां जानवर ऊपर से नीचे आ गए, तो इनके एक बड़ा सेटअप होता है ना, जानवर इनके पहाड़ों पे चले जाते हैं सर्दियों में, तो उन उधर एक अलग सिस्टम है, इधर एक अलग सिस्टम है, नीचे इन्होंने ऊपर भी वो बनाए होते हैं जिसको हम पाड़ा कहते हैं जानवरों का, तो इस तरह इनके सिस्टम होते हैं। ये असल में तो ये खुशी मनाते हैं बहार की, और साथ में ये ऑफिशियली अनाउंस करते हैं शादियाँ जो हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ लोकल एक दोस्त हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम बाबर आजम है जी। बाबर आजम जी, जी जी। क्रिकेट खेलते हैं? जी जी, खेलता हूँ। अच्छा, चलो फिर तो अच्छी बात है। अच्छा, ये इधर से बम्बूरी से ही है, कैलाश है, इनसे जरा ये जो फेस्टिवल चल रहा है चिलम जोशी, इसके बारे में पूछते हैं। ये जो चिलम जोशी का त्यौहार है, ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए होता है कि ना, जिस तरह आपका ईद होता है, इस तरह त्यौहार हमारा त्यौहार है जी। ये हर साल में फिक्स टाइम में होता है, 15-16 को होता है। इसलिए होता है कि जब बाहर का मौसम आता है, उसके वेलकम के लिए हम ये मौसम मना, ये फेस्टिवल बनाते हैं जी। ये फेस्टिवल होता है, हम वेलकम के लिए बनाते हैं जी। एक्चुअली ऐसे है, जैसे पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है जब जन्नत की कटाई होती है जी, जी। तो इसी तरह जब मौसम बाहर आता है, इस इलाके में जो है ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है जी जी के नाम से। तो ये जो खवातीन है, ये जो डांस कर रहे हैं, आप लोग सब डांस कर रहे हैं, तो आप खवातीन ने खासतौर पर ये जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, इसको क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में? इसको पिरान बोलते हैं। पिरान? पिरान, हाँ जी, पिरान। ये जिस मर्जी कलर का हो, ये सब जी सर कहते हैं? जी जी, इस तरह होता है जी, बस कलर चेंज होता है, बस ड्रेस इस तरह ही होता है, कलर अलग होता है। तो आप मर्द हजरात क्यों नहीं इस तरह कोई खास स्पेशल कॉस्ट्यूम? हमारा भी खास पहले जमाने में ऑल टाइम में था, अभी नहीं। अभी हमने जो आपने ये पहना हुआ बेल्ट पहना हुआ है जी, इसका क्या मतलब है? ये वाला, ये पिरान की डांस करते हैं हम जी। हाँ जी जी। नहीं तो
जिन लोगों की शादियाँ हैं कल, तो उन्होंने कोई खास वो कास्ट्यूम पहना है या वो कुछ खास? नहीं नहीं, शादी हुआ वो तो कोई खास चीज़ नहीं पहना। तो जो ये जो शादियाँ होती है उसका क्या तरीका कर रही है? बड़ा दिलचस्प चीज़ है, जरा ये भी बताएं। ये लव मैरिज होता है शादी, लव मैरिज, जब लव हो तब शादी होती है, लव मैरिज होता है। लव मैरिज का ऐलान इधर होता है? इधर नहीं होता है, लव कहाँ भी हो सकता है जी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ डांस में जरूरी नहीं कि लव हो, उसकी लव तो हर एक जगह हो सकता है। अच्छा, जो इधर जो फंक्शन है जो कल है शादी का, जी जी, वो खास इस जगह के साथ क्यों मुंसलिक है? कल शादी है इस जगह का, पता नहीं मुझे तो ये शादी कल है या नहीं। नहीं, शादियां जो होती है, नहीं शादी तो वो हर एक टाइम होता है। शादी हो गई है कि नहीं? नहीं हो चुका है। तो आपने लव किया अभी तक कि नहीं? मैंने लव नहीं, लव भी नहीं किया। तो यार करो जल्दी, यार जवान हो रहे हो। चलो जी, करूंगा जी। ये बाबर कैलाशी थे हमारे साथ, तो ये इस त्यौहार के बारे में कुछ बुनियादी बातें बता रहे थे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। अजनबी अली, आपका नाम क्या है? क्या? अच्छा जी, आप इधर बम्बूरीत से ही हैं, तो आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि ये जो कैलाश ट्राइब है, इसकी इब्तदा कैसे हुई? कुछ लोग इसको कहते हैं कि चंगेज़ खां की नस्ल है, कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर के जो सिपाही रह गए थे कुछ वो उनमें से हैं, कुछ अफगानियों के साथ जोड़ते हैं। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या है? काइंडली थोड़ा सा ब्रीफ बता। एक्चुअली हिस्ट्री जो मैं भी मतलब नहीं पता, कोई भी चीज़ इसको प्रूफ नहीं करती है। हाँ, जो चूरीस है वो यही चूरीस है। कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ ये लोग आए थे, तभी से यहाँ पे रह गए हैं, और कुछ चंगेज़ के साथ जुड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अलेक्जेंडर के साथ इनकी। अच्छा, तो ये जो कॉस्ट्यूम खवातीन पहनती हैं इसको क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में? ये इनकी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। इसका नाम क्या है इस ट्रेडिशनल ड्रेस का? कैलाशा ड्रेस। कैलाशा? इसको कोई पीरान करके नहीं कुछ कहते? पीरान वो अलग होती है, पीरान मतलब कि पहनने की चीज़ें अलग अलग है ना। अभी पीरान कपड़े को कहते हैं। अच्छा, और टोपी जो होती है उसको सुसुक कहते हैं। इस तरह टोपी को क्या कहते हैं? सुसुक कहते हैं। सुसुक, सुसुक, सुसुक। अच्छा, तो ये जो मर्द हजरात हैं वो कोई कॉस्ट्यूम नहीं खास पहनते? पहले तो ये भी पहनते थे? पहनते थे, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें चेंज होती जाती हैं। आपको पता है कि कल्चर पे इफेक्ट होता है, वक्त के साथ साथ बहुत चीज़ें बदलती हैं। पहले मर्दों का ड्रेस भी अलग होता था, अभी आजकल वो सिमिलर ड्रेस पहनते हैं जो आम नॉर्मल होते हैं। अच्छा, लेकिन उनके साथ वो ये चीज़ें पहनते हैं जो कैलाश होती हैं, ताकि पता चल जाए कि ये। अच्छा, तो इस ये जो त्यौहार है चिलम जोशी का, बुनियादी तौर पे ये किस चीज़ का त्यौहार है? असल में ये हम स्प्रिंग फेस्टिवल कहते हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल, मौसम बहार का मतलब ऐलान है ये। अच्छा, तो इस फेस्टिवल की सबसे अहम फेस्टिविटी वो क्या चीज़ है? वो कल तो बहुत सी चीज़ें इसमें, बहुत से रक्स होती हैं, टाइम टू टाइम होती हैं। अच्छा, वो कल आप जब यहाँ पहुँचे तो आप देखेंगे। अच्छा, कल सही है। वो इस फेस्टिवल के बारे में सुना था कि आखिरी दिन कुछ शादियाँ वगैरह भी होती हैं। नहीं, वो तो हर फेस्टिवल में होती है, ज़रूरी नहीं होता किसी फेस्टिवल में हो। वो अभी दिसंबर में जो फेस्टिवल होता है उसमें भी होती हैं, वो अभी अगस्त में जो फेस्टिवल होता है उसमें भी होती हैं। वो डिपेंड करता है उस जोड़ी पे, डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने टाइम क्या अटेंड किया होगा। सही। अच्छा, ज़रा काइंडली दोबारा रिपीट कर दें कि ये जो आपके फेस्टिवल है, एक तो ये चिलम जोशी हो गया, ये अप्रैल में, मई में, सॉरी मई में, 15 के कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? 16 मई में, 14, 15, 16 में। और इसके अलावा जो खास अहम फेस्टिवल है वो एक अगस्त में होती है, 22 अगस्त को। अच्छा, उसे हम उछाल देते हैं। अच्छा जी, और एक होती है दिसंबर में होती है, जो 8 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक होती है। अच्छा, वो जो जुम्मस होते हैं। सही है, और बाकी एक होता है पूल, वो अक्टूबर में होती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही एरिया में होते हैं, भीड़ में। तो सामीन, ये था चिलम जोशी का त्यौहार, उसके बारे में जनाब बता रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। तो एक चीज़ जब इधर आए हैं तो जो सबसे मतलब ये जो कल्चर है इतना रिच है कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद, रास्ते बहुत ख़राब हैं, रास्ता ना होने के बराबर है, तो इसके बावजूद बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो कल्चर है ये इतना मजबूत है, ये इतना मजबूत हो गया, ये हेरिटेज की शक्ल अख्तियार कर गया। तो आप लोग भी तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी बात यह है कि ये नॉर्मल लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, इतने प्यार करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जब आप आएँ तो रिक्वेस्ट ये रहेगी आप लोगों से कि इनकी कल्चर
कल्चर उन चीज़ों पर आप कोशिश करें कि इनका एहतराम करें, इनके कल्चरों का एहतराम करें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं, आप उनको फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे भाई बता रहे थे, ये मैं भी आपसे बात करना चाहता था कि हमारे लिए तो ये जो है वो देखने के लिए ये फेस्टिवल है एक, लेकिन इन लोगों का ये शायद ये अगर किसी मज़हब को मान दे तो उस हवाले से भी ये एक त्यौहार है। इस इधर ये जो लड़कियां नज़र आ रही हैं, ये सब किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियाँ हैं, तो इन सब का इज़्ज़त एहतराम हमारे ऊपर वाजिब है। तो आप सब लोग भी जो है ना इस बात का खास ख्याल रखें, आएँ आप ज़रूर, देखें कि ये कितना रंगारंग त्यौहार है इन लोगों का, लेकिन इन लोगों के जो रवायात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप इस त्यौहार को इंजॉय करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बम्बूरीत, और ख़ास तौर पर जब ये तीन चार जगहों पर त्यौहार होता है, आज ये बम्बूरीत में है, कल भी बम्बूरीत में होगा, तो आप तशरीफ़ लाएँ और आगे लोगों के इस त्यौहार, कैलाश लोगों के इस त्यौहार से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। थैंक यू।